शराब माफियाओं के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि वे खुलेआम शराब की तस्करी कर रहे हैं, जिसमें आज झांसी प्रवर्तन टीम और अबकारी विभाग ने जालौन में छापेमारी कर 150 लीटर शराब बरामद कर लहर नष्ट किया है। जिले में फिल्टर युक्त पीने योग्य पानी तो आसानी से नहीं मिल पा रहा है, परंतु अवैध शराब अवश्य मिल जाती है। अवैध शराब कारोबारियों की वजह से सैकड़ों परिवार बर्बाद हो चुके हैं, कई लोग अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं, जिसके चलते अवैध शराब का विक्रय करने वालों के हौसले तो बुलंद हो रहे हैं, जिस पर पुलिस ने अवैध शराब पर अंकुश लगाने के लिए छापेमारी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें जालौन की उरई व कोच कोतवाली क्षेत्र के 4 कबूतरा डेरों पर पुलिस ने छापेमारी की है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। झांसी से आई प्रवर्तन टीम और आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से छापा मारा है, जिसमें पुलिस ने मौके से 150 लीटर शराब बरामद की व हजारों लीटर लहन को नष्ट किया गया है। लेकिन छापेमारी के बाद शराब तस्कर मौके से फरार हो चुके थे, जिसके बाद पुलिस अवैध शराब माफियों की तलाश में जुट गई है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे कानून का शिकंजा अपराध और अपराधियों के प्रति कसता चला जा रहा है। जी हम बात कर रहे हैं जनपद जालौन की। जनपद जालौन में भी 2 दिन पहले ही पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रवि कुमार ने अपराधियों के खिलाफ एक मुहिम चलाई हुई है, जिसको लेकर लगभग आधा सैकड़ा से अधिक लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। और आज आबकारी टीम और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में जनपद जालौन में 4 जगह पर अवैध शराब के डेरे जो हैं उन पर छापेमारी की गई है और लगभग 150 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। साथ ही लगभग 16,000 लीटर लहन नष्ट किया गया है। इस संबंध में जब हमने अधिकारियों से बात की तो उनका कहना यह था कि ये कार्रवाई आगामी विधानसभा चुनावों के पहले तक जारी रहेगी और निश्चित तौर पर विधानसभा चुनावों को सकुशल और निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए सरकार की जो मुहिम है अपराध मुक्त समाज, उसको लेकर जारी रहेगी। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for Medical Science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now. www.pkuniversity.edu.in. Address: Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.